देश के कई हिस्सों में जारी बारिश और मॉनसून संकट की, जहां पहाड़ों पर इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बालद नदी में कबाड़ से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई और पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर में सवार तीनों लोग एक घंटे पानी में फंसे रहे। तस्वीरें देखिए जरा पहले। ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटने के बाद तीनों पानी में गिर गए, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से इनको बचाया गया, इनकी जान बची, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत ये बह गया। देखिए जरा, सोलन की ये घटना है जहां बार बारिश का कहर ट्रैक्टर ट्रॉली किस तरह से ये कागज की तरह बह गया, ये देखिए जरा। सोलन हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर, जहां बाढ़ और बारिश का कहर, उफनती नदियां, और ये लोग पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हिमाकत इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। किसी तरह से बमुश्किल इनकी जिंदगी बच पाई है। ये तेज बहाव में ये कूद गए क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी। इन्होंने किसी तरह से नदी को तैर कर पार किया और वहां पर जो लोग थे उनकी मदद से इन्होंने जिंदगी बचाई है। और ये अपने आप में इस तरह से, आप सभी भी अगर देख रहे हैं तो आप सभी के लिए भी निवेदन है, क्योंकि इस तरह की अपनी जिंदगी को जोखिम में ना डालें।